गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों, अगर आप पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपकी ऑल जो है इंजीनियरिंग ब्रांच कोई भी है, तो आप अपने सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है ना, आपको कोई भी कॉस्ट जो है पे नहीं करना होगा, बिल्कुल फ्री में हम आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराएंगे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और ये बात अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों अभी जो यूट्यूब फैमिली है बहुत ही छोटी है और जैसे ही हम लोग जो है अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ पाएंगे तो हम लोग लाइव भी आना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब तक आपके 1000 यानी 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते तब तक आप यूट्यूब पर लाइव नहीं आ सकते। ठीक है ना, तो यही रीज़न है कि आपको जो वीडियोज़ मिल रहे हैं वो रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे लाइव कॉन्टैक्ट हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट आपके पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है ना, और अप्लाइड जो मैथमेटिक्स है वो हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अप्लाइड फिजिक्स अब हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो हम लोगों का पहला चैप्टर था मात्रक एवं विमाय। ठीक है ना दोस्तों, पहला चैप्टर जो हम लोगों का है मात्रक एवं विमाय, वो हम लोगों का चल रहा है। ठीक है ना, मात्रक एवं विमाय यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन। और यूनिट एवं डायमेंशन में भी हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा दोस्तों 4th लेक्चर है। ठीक है ना, 3rd लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने दोस्तों पढ़ा था समांगिता का सिद्धांत। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी उपयोग। ठीक है ना, विमीय समांगिता की उपयोग, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है ना, विमीय समांगिता का जो सिद्धांत है दोस्तों, उसके हम लोग उपयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ने वाले, उपयोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि यूजेस ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी इसके क्या क्या यूज़ हैं दोस्तों। इसके 3 यूज़ हैं। कितने यूज़ हैं दोस्तों, 3 यूज़ हैं। अच्छे से आप इन्हें नोट कर लीजिए, हालांकि आज हम लोग एक यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के जो बचे होंगे वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों पहला जो यूज़ है आपका विमीय समांगिता का, ठीक है ना, पहला है आपका समीकरण की विमीय सत्यता की जाँच करना। ठीक है ना, समीकरण के विमीय सत्यता की जाँच करना। क्या दोस्तों, समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, क्या, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, ये पहला उपयोग है आपका। कोई भी जो भौतिक राशि का समीकरण दिया जाता है उसको आप इस सिद्धांत के अनुसार चेक कर सकते हैं, क्या जो समीकरण होता है वो सही लिखा हुआ है या आपका गलत है। ठीक है ना, तो ये हम लोग किस सिद्धांत से चेक करते हैं, विमीय समांगिता के सिद्धांत से। दोस्तों दूसरा जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है भौतिक राशियों में संबंध बनाना। किस में, भौतिक राशियों में संबंध बनाना, या हम बोल सकते हैं संबंध स्थापित करना। ठीक है ना, हम एक रिलेशन बनाते हैं भौतिक राशियों के बीच में। ठीक है ना, जैसे आपका मान लीजिए आपको जी दे दिया जाएगा, एल दे दिया जाएगा, कभी कभी ऐसी वैल्यूज आपको दे दी जाती हैं। ठीक है ना, आपको टी दे दिया जाएगा तो आपसे कहेगा कि इनके बीच एक रिलेशन निकालिए, तो इनसे हमारा दोस्तों एक रिलेशन आता है सरल लोलक का आवर्तकाल का, टी इज इक्वल टू 2π रूट के अंदर एल अपॉन जी। तो यही रिलेशन हम इस सिद्धांत के अनुसार निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। और दोस्तों जो लास्ट है आपका वो है दोस्तों भौतिक राशि का मान जो रहेगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। ठीक है ना, भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति, या हम पद्धति भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना।
तो आपसे थ्योरी में भी पूछा जा सकता है कि बिमी समांगता के उपयोग लिखिए, ठीक है ना। तो ये अगर दो दो नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बस इतना लिख देना है, और अगर यही पाँच नंबर का क्वेश्चन आया है तो प्रत्येक का आपको एक एक एग्जाम्पल भी देना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप देख लीजिएगा, पहला बिमी समीकरण की बिमी सत्यता की जांच करना। हालांकि मैंने आपको जो कल आपको बिमी समांगता का सिद्धांत बताया हुआ था, तो मैंने उसमें जो एग्जाम्पल बताए हुए, तो वही सेम एग्जाम्पल मैं आपको आज ही बताने वाला हूँ, किसमें, समीकरण की बिमी सत्यता की जांच में, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो पहला यूज है क्या है, समीकरण की बिमी सत्यता की जाँच करना, ये क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वान्टिटीज़ है, मान लीजिए जैसे गति है, ठीक है ना, तो आपको इसके समीकरण दे दिए जाएंगे, यानी इसका आपको सूत्र दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको जैसे दिया है b बराबर यू प्लस ए टी, तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि जो ये समीकरण है इसको बिमी समांगता के सिद्धांत के अनुसार चेक करके बताइएगा क्या ये समीकरण आपका सही है, यानी जो b बराबर यू प्लस ए टी है क्या ये समीकरण आपका सही है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, बिमी समांगता का सिद्धांत लगाना होता है। और बिमी समांगता का सिद्धांत क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट जो होगी वो राइट हैंड साइड की लिमिट के बराबर होगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में आपकी कोई भी ऐसे टर्म हैं जो कि आपस में ऐड हैं या आपस में सबट्रैक्शन में हैं, तो उनकी बीमाएँ भी आपस में बराबर होनी चाहिए। बस इसको इतने स्टेप आपको जो है दोस्तों प्रूव करने होते हैं। तो देखिए कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, तो हमें पहले प्रूव करना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है। तो हमें पहले बी की बीमा चाहिए, तो हमने निकाला बी की बीमा, बी यानी कि बेग, तो बेग की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी पर पावर माइनस का वन, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, एल टी पर पावर माइनस का वन। दोस्तों इसको एग्जाम्पल एग्जाम में जब आप करेंगे तो आपको पूरा डिफाइन करके लिखना होगा, बाएँ पक्ष की बीमा, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है ना, बाएँ पक्ष की बीमा, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है ना, बाएं पक्ष की बीमा। फिर यहाँ लिखेंगे b बराबर, ठीक है ना, तो b क्या है, बेग, फिर बेग का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूले के बाद उसकी बीमा निकालेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको निकालना बता चुका हूँ इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो b की बीमा आपकी एल टी पर पावर माइनस वन हो जाएगी। इसके बाद आप लिखेंगे दाएँ पक्ष की बीमा, क्या, दाएँ पक्ष की बीमा, यानी राइट हैंड साइड की जो लिमिट रहेगी वो, दाएँ पक्ष की बीमा। तो दाएं पक्ष की बीमा में आपको क्या क्या निकालना है, पहले बी की बीमा, यू की बीमा निकाल ली है, तो यू भी आपका बेग ही है, तो बेग की बीमा एल टी पर पावर माइनस का वन हो जाएगी, ओके दोस्तों। इसके बाद आपको निकालना ए टी की बीमा, तो ए टी की बीमा, ए आपका त्वरण है, इसकी बीमा होती है एल टी पर पावर माइनस टू। इसके बाद देखिए टी आपका टाइम है, तो इसकी बीमा टी रहेगी, तो ये हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस का वन, ओके दोस्तों। तो अब आप देख लीजिए, आपको पहला स्टेप ये देखना होता है क्या लेफ्ट हैंड साइड की टर्म की बीमा राइट हैंड साइड की टर्म की बीमा के बराबर है। तो हमें देखना है बी की बीमा जो होगी यू की बीमा और ए टी की बीमा के बराबर होगी। तो देखिए बी की बीमा आपकी ये रही, यू की बीमा ये रही और ए टी की बीमा ये रही, तो तीनों आपस में बराबर हैं, तो पहला स्टेप फॉलो हो गया। सेकेंड ये देखना है कि कोई टर्म आपस में जोड़ने वाले या घटने वाले तो नहीं है, तो ये दो टर्म आपस में जोड़े गए हैं, तो इनकी बीमाएँ भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तो यू और ए टी, तो U और AT इनकी बीमाएं भी आपस में बराबर हैं, तो सेकंड स्टेप भी फॉलो हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों बिमी समांगता के द्वारा किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जांपल दोस्तों और बता रहा हूँ, क्योंकि कल तो मैंने आपको ये एग्जांपल करा दिए थे वैसे भी, लेकिन आप और भी देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा दूसरा समीकरण होता है एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको प्रूव करिए क्या ये जो समीकरण लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। कभी कभी एग्जाम्पल एग्जाम में आपको गलत भी दे देगा, मान लीजिए यहाँ यू टी स्क्वायर कर देगा, या जैसे जो आपको ये फॉर्मूला था यहाँ मान लीजिए यू स्क्वायर कर देगा, तो यू स्क्वायर अगर हो जाएगा तो फिर आपकी ये बीमाएँ समान नहीं आएंगी। तो आप बाद में लिख देंगे निष्कर्ष, यानी क्या निकला इसका निष्कर्ष, यानी कि ये आपका समीकरण सही नहीं है, ये आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम लोग अच्छे से देख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बीमा, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा यानी एस की बीमा, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, दूरी है, तो दूरी की बीमा एल रहती है, ठीक है ना, इसकी बीमा एल हो जाएगी। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा। और यहाँ यू टी है, तो यू टी, यू आपका बेग है, यानी एल टी पर पावर माइनस वन हो जाएगा। और टी है, तो टी की बीमा आपकी टी रहेगी, तो इसकी बीमा आ जाएगी एल, ठीक है ना, क्या आ जाएगी एल, क्योंकि टी से टी आपका ये घट जाएगा घात में, और पावर जीरो, और जीरो किसी भी संख्या पर अगर पावर है तो उसका मान एक होता है। इसी तरीके से जब आप हाफ ए टी स्क्वायर का निकालेंगे तो आंकिक मान आपको छोड़ देना होता है, एक बटा दो छोड़िए, तो आपको निकालना है ए टी स्क्वायर का, ए आपका त्वरण है, यानी एल टी पर पावर माइनस का टू,
ठीक है ना। और टी आपका समय है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एल। तो आप देख सकते हैं तीनों टर्म की जो विमाएँ हैं आपस में बराबर हैं, और इन दोनों टर्म यानी यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनकी विमाएँ भी आपकी आपस में ही बराबर हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका एक और होता है दोस्तों, एक फार्मूला और होता है, जैसे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है ना। अदर फार्मूले भी कई सारे होते हैं, हालांकि मैं आपको तीन गति के ही लेकर के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ बी स्क्वायर की बीमा निकालनी होगी, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस वन, और इसका स्क्वायर तो इसकी बीमा आ जाएगी एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, ठीक है ना, ये आ गई। इसी तरीके से इसकी बीमा भी जस्ट सेम ही रहेगी एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, क्योंकि ये भी बेग है और उसका स्क्वायर करना है। इसके बाद टू ए एस की निकाल ली है, तो ए आपका क्या है, यहाँ ए आपका त्वरण है, तो त्वरण की बीमा हो जाएगी एल टी पर पावर माइनस टू, और एस आपका दूरी है तो दूरी की बीमा एल आएगी, ठीक है ना। और हमेशा इनको बड़े ब्रैकेट के अंदर ही हम बंद करते हैं, तो इसकी बीमा भी एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस का टू हो गई। तो आप देख सकते हैं तीनों की तीनों बीमा आपकी बराबर हैं, ठीक है ना। क्या है, इसकी बीमा इसकी और इसकी बीमा आपस में बराबर हैं, और यू स्क्वायर और टू ए एस इसकी बीमा भी आपकी बराबर है ना, ठीक है ना। तो यू स्क्वायर का ये हो गया और टू ए एस का ये हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों क्या, बीमी समांगता का जो पहला उपयोग है समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना। तो कैसे करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं, आपको एग्जाम में इस तरीके से कोई फॉर्मूला दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि दिखाइएगा कि जो ये इक्वेशन है, जो ये समीकरण है, क्या बीमी समांगता का पालन कर रहा है, या मतलब ये समीकरण सही रूप में लिखा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको करना क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा की आपको बराबर कर देनी होती है। अगर आपको बीमा निकालना आता तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है ना। और बीमा कैसे निकालते हैं ये मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो इसके जस्ट पहले जो मैंने लेक्चर दिया था और उसके पहले जो लेक्चर था जस्ट उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखना है तो आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, ठीक है ना। अप्लाइड फिजिक्स सभी लेक्चर प्ले लिस्ट करके दिया है, तो आप वहां से भी इसको वॉच कर सकते हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो चैप्टर वन भी आपका खत्म हो चुका है तो उसको भी देख लीजिएगा, और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर भी आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है ना। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।